देखिए, तो जल्दी से हमारा ये टॉपिक है नेक्स्ट, इक्विवेलेंस बिटवीन आरजी एंड एफए। देखिए ये इक्विवेलेंस यानी क्या, इक्विवेलेंस यानी कि कन्वर्जन। सिंपली आरजी यानी क्या, रेगुलर ग्रामर, एफए यानी क्या, फाइनाइट ऑटोमेटा। तो हमें अगर रेगुलर ग्रामर दिया हुआ है तो हमें एफए में जाते आना चाहिए, ठीक है। अगर एफए गिवन है तो उसका हमें क्या निकालते आना चाहिए, रेगुलर ग्रामर निकालते आना चाहिए, ठीक है। तो हमें सीखना है इक्विवेलेंस, तो उसमें हमारा पहला है, फर्स्ट है एफए टू आरजी, यानी अगर हमें एफ ए गिवन है तो हम रेगुलर ग्रामर कैसे फाइंड करेंगे। चलिए एक काम करते हैं, क्वेश्चन ही सीख लेते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट। क्वेश्चन है, फाइंड लेफ्ट लीनियर एंड राइट लीनियर ग्रामर फॉर द फॉलोइंग एफ ए, और ये हमारे पास क्या दी हुई है, एक एफ ए दी हुई है। चलिए एक काम करते हैं, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप प्रॉब्लम को डेकोरेट कर लीजिएगा। तो गिवन एफ ए इज दिस, और ये डायग्राम फिर से निकाल लीजिएगा। पर अब मुझे ये एफ ए में से क्या निकालना है भाई, रेगुलर ग्रामर निकालना है। तो रेगुलर ग्रामर निकालना है तो आप ऐसा समझिए कि राइट लीनियर ग्रामर हम एफ ए पे से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कैसे निकाल सकते हैं भाई, देखिए इधर सिंपल, कि ये जो भी स्टेट है, जैसे कि ये Q0 स्टेट है, ये स्टार्ट स्टेट है, ठीक है। ये Q0 कौन कौन से ट्रांजेक्शन इमिट कर रहा है मुझे बताइए। Q0 1 का ट्रांजेक्शन इमिट कर रहा है, किसके पास, Q1 के पास। नेक्स्ट, और कोई ट्रांजेक्शन इमिट कर रहा है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। Q1 कौन कौन सा ट्रांजेक्शन इमिट कर रहा है, Q1 जीरो लेके कहाँ जा रहा है, Q1 0 लेके Q0 के पास जा रहा है, एक ट्रांजेक्शन। अच्छा, दूसरा एक और ट्रांजेक्शन इमिट कर रहा है Q1/0 लेके कहाँ जा रहा है, वो Q2 के पास। पर मुझे एक बात बताइए कि ये Q1 को अगर 0 मिला तो वो कहाँ जा रहा है, Q2 पे, और Q2 यहाँ पे कौन है, फाइनल स्टेट। तो बेटा अगर वो फाइनल स्टेट, कोई स्टेट को अगर कोई इनपुट सिंबल मिलता है और वो सीधा कहाँ पहुँच जाता है, फाइनल स्टेट पे, तो उसको हम बोलते हैं कि वो एक टर्मिनल हुआ, और वो वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्टली भाई ये Q1 को हम डायरेक्टली कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, 0 से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि Q1 को अगर 0 मिलता है तो वो कहाँ पहुँच रहा है, फाइनल स्टेट पे पहुँच रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए बताइए Q2 क्या क्या इमिट कर रहा है, Q2 0 इमिट कर रहा है Q2 के पास, देखिए ये 1 इमिट कर रहा है Q2 के पास, और ये 0/1, क्यों 0/1 का अलग से प्रोडक्शन आएगा, क्यों ऐसा, क्योंकि Q2 को 0 मिला बेटा, कोई Q2 पे खड़ा है और वो फिर से 0 ले रहा है इनपुट, तो वो फाइनल स्टेट पे पहुंच गया। क्योंकि Q2 पे खड़ा है और इनपुट ले रहा है 1, तो वो कहां पहुंच गया, फाइनल स्टेट पे पहुंच गया, इसलिए ये आएगा 0/1, और यही हमारा क्या हो गया, राइट लीनियर ग्रामर हो गया, राइट लीनियर ग्रामर हो गया। तो ये जो G=, हम लिखते हैं VTPS, तो बेटा ये G=VTPS को यहाँ पे कोई कोई ऐसा भी बोलता है, Q summation PS, ठीक है, Q summation PS, क्यों ऐसा, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो ये V है बेटा, वो V कुछ और नहीं होता है, वो जो Q होता है उसका वही होता है, यानी कि Q0, Q1, Q2, ये हमारे यहाँ पे क्या का रोल प्ले कर रहे हैं, वेरिएबल्स का, ठीक है। T यानी कुछ और नहीं, समेशन प्रॉब्लम में क्या क्या है, 0/1, P यानी क्या आ जाएगा, सेट ऑफ प्रोडक्शन डिस्क्राइब अबो, ये सेट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और स्टार्ट सिंबल S=, क्या हो जाएगा, Q0, S=, क्या हो जाएगा, Q0, वो Q0 क्या है, स्टार्ट सिंबल, अरे आ रही है क्या बात समझ में, ठीक है, तो वो क्या है हमारा, स्टार्ट सिंबल है, अरे आ रही बात समझ में, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये हमारा क्या था, राइट लीनियर ग्रामर, आपको यहाँ पे यही समझना था कि हम एफ ए पे से डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, राइट लीनियर ग्रामर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो व्हाट इज द प्रोविजन फॉर लेफ्ट लीनियर ग्रामर, चलिए देखते हैं लेफ्ट लीनियर ग्रामर के लिए क्या प्रोविजन है। लेफ्ट लीनियर ग्रामर के लिए पहले तो रिवर्स ट्रांजिशंस, ठीक है, एंड इंटरचेंज स्टार्ट एंड फाइनल स्टेट। कुछ नहीं, मैं करके बता देता हूं आपको, एक स्टेट, दूसरी स्टेट, तीसरी स्टेट, क्या क्या था यहां पे, Q2 Q1 Q0, पहले तो ये कर देता हूं मैं, इंटरचेंज इनिशियल एंड स्टार्ट, इसको मैं इनिशियल स्टेट कर देता हूं, इसको मैं फाइनल स्टेट कर देता हूं, कर दिया। रिवर्स ट्रांजेक्शन्स कैसे होंगे, Q0 का 0/1, ठीक है भाई, Q0 का 0/1 तो खुद पे ही है। नेक्स्ट, ये 0 इधर जा रहा था, अब मैंने उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है, 1 इधर जा रहा था, अब मैंने उसको रिवर्स कर दिया, 0 इधर जा रहा था, अब मैंने उसको रिवर्स कर दिया, 1 2 3
चार पांच ट्रांजेक्शन्स और ये इनिशियल फाइनल स्टेट भी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। यानी मैंने क्या कर दिए, ट्रांजेक्शन्स भी रिवर्स कर दिए, ठीक है, सभी के। और क्या कर दिया मैंने, इंटरचेंज स्टार्ट एंड फाइनल स्टेट, यानी कि इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट को रिवर्स कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस पे से क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट लीनियर ग्रामर लिख सकते हैं। बताइए स्टार्ट स्टेट कौन सी, Q2, ठीक है। Q2 क्या कर रहा है, Q2 के पास 0 और 1 आ रहा है, इमिट कर रहा है वो। तो बेटा अब अगर ये लेफ्ट लीनियर ग्रामर है, अगर ये लेफ्ट लीनियर ग्रामर है तो पहले क्या लिखा जाएगा, Q2 0, Q2 1, ये दो ट्रांजेक्शन, वो दो इमिट कर रहा है। Q2 बेटा ये 0 भी इमिट कर रहा है, किसके तरफ, Q1 के तरफ। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट ये Q1 के ट्रांजेक्शंस क्या, देखिए ये Q1 एक वेरिएबल है, ठीक है। नेक्स्ट Q1 क्या इमिट कर रहा है बेटा, वो तो सिर्फ और सिर्फ 1 इमिट कर रहा है, किसके तरफ, Q1 के तरफ, ठीक है। और क्या मुझे बताइए कि इसको 1 मिल रहा है तो ये फाइनल पे जा रहा है, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, स्लैश 1 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट Q0, Q0 का क्या आ जाएगा, ये कौन सा ट्रांजेक्शन इमिट कर रहा है, 0 का, किसके तरफ, Q1 के तरफ। और मुझे बताइए कि और कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सीधा सीधा ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि Q1 को, Q0 को कोई ऐसा इनपुट सिंबल नहीं है कि वो उसको मिल रहा है तो वो फाइनल स्टेट पे जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज अवर लेफ्ट लीनियर ग्रामर। कैसे पता दिस इज लेफ्ट लीनियर ग्रामर, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, हमने पहले ये लिखा हुआ है। तो आप इतना समझ लीजिए कि एफ ए पे से डायरेक्टली हम लेफ्ट लीनियर नहीं निकाल सकते हैं, एफ ए पे से हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, राइट लीनियर ग्रामर निकाल सकते हैं इस वे से, ठीक है। और उसके बाद उसके ट्रांजेक्शन्स और इनिशियल और फाइनल स्टेट को इंटरचेंज करके ही हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट लीनियर निकाल सकते हैं। कभी भी हम डायरेक्टली लेफ्ट लीनियर ग्रामर नहीं निकाल सकते हैं। आई बात समझ में, एक ही प्रॉब्लम सीखना था हमें इस टॉपिक का, यही पेपर में पूछा जाएगा, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आप उसको अच्छे से मार्क कर लीजिए। हाँ, यहाँ पे भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, G इक्वल्स टू वी टी पी एस लिखना पड़ेगा। आप ये वी टी पी तो लिख लोगे, एस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट सिम्बॉल रहेगा Q2, ये क्या हो जाएगा हमारा स्टार्ट सिंबल। अरे आ रही है क्या बात समझ में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्या है ये, सिंपल है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसको क्या कर लीजिए, आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं कि रेगुलर ग्रामर पे से एफ ए कैसे बनाएंगे। जैसे अभी हमने एफ ए पे से रेगुलर ग्रामर बनाया, अब रेगुलर ग्रामर गिवन है तो उस पे से एफ ए कैसे बनेंगी वो सीखना है। चलिए फिलहाल इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए तो जैसे कि हमारा शुरू है इक्वेलेंस, इक्वेलेंस बिटवीन रेगुलर ग्रामर एंड एफ ए, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि एफ ए पे से हम रेगुलर ग्रामर कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, पर अब हमें देखना है रिवर्स, यानी कि कन्वर्जन ऑफ आर जी टू एफ ए। अब देखिए ये इसको हम कन्वर्जन ऑफ रेगुलर ग्रामर टू एफ ए बोलने से अच्छा है इसका मोर स्पेसिफिक नाम क्या होना चाहिए कि राइट लीनियर ग्रामर, कन्वर्जन ऑफ राइट लीनियर ग्रामर इंटू इप्सलॉन एन एफ ए, क्या होना चाहिए इसका नाम, इप्सलॉन एन एफ ए। यानी कि ये जो एफ ए है वो एफ ए यहाँ पे कैसे यूज होता है, इप्सलॉन एन एफ ए के जैसा यहाँ, यानी कि इट मीन्स कि हम यहाँ पे राइट लीनियर ग्रामर को कायम में कन्वर्ट करने वाले हैं, इप्सलॉन एन एफ ए में कन्वर्ट करने वाले हैं। उसकी एक फिक्स प्रोसीजर है, एक शॉर्ट एल्गोरिदम है, वो मैं आपको प्रॉब्लम के साथ ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सा एक प्रोसीजर है, बहुत ही शॉर्ट प्रोसीजर है, इसके हमें दो प्रॉब्लम्स देखने हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट वन क्या है, क्वेश्चन क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट एफ ए। देखिए वो कंस्ट्रक्ट एन एफ ए भी दे सकता था हमें, कंस्ट्रक्ट एफ ए दैट एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज जनरेटेड बाय, देखिए ये जो तीन प्रोडक्शन दिए हुए हैं, एक वी जीरो स्टे ये और एक वी वन का, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या दिया हुआ है, हमें एक ग्रामर दिया हुआ है और इस पे से हमें क्या निकालना है, एफ ए निकालना है। चलिए कोई बात नहीं है, मुझे बताइए यहाँ पे ये जो ग्रामर है, ये ग्रामर जी इक्वल्स टू क्या होता है, वी टी पी एस, ठीक है। मुझे बताइए वी वी क्या है यहाँ पे, वेरिएबल्स वी जीरो वी वन, ये दो ही वेरिएबल्स हैं वहाँ पे, ठीक है। टी क्या है, टर्मिनल्स, टर्मिनल्स क्या दिख रहे हैं वहाँ पे, ए और बी। पी यानी कि सेट ऑफ प्रोडक्शंस हमें गिवन है, ठीक है, सेट ऑफ प्रोडक्शंस गिवन है। और एस क्या है भाई, एस यानी कि स्टार्ट सिंबल, स्टार्ट सिंबल यहाँ पे क्या है, वी जीरो। देखिए ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, उन्होंने हमें क्लियरली मेंशन करके नहीं दिया हुआ था, पर हमने क्या मान लिया भाई, ये जो तीन प्रोडक्शंस है उसमें से जो पहला प्रोडक्शन है वही हमारा क्या है, स्टार्ट सिंबल। वो गिवन भी दे सकते थे, नहीं गिवन दिया हुआ है, तो जो पहला प्रोडक्शन है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वही हमारा स्टार्ट सिंबल, हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। बाय रूल वो गिवन होना चाहिए था, गिवन नहीं है तो हम ऐसा करते हैं, ठीक है। चलिए यानी कि आपको ये तो समझ में आ गया, मैं ये पी का भी डिस्क्रिप्शन लिख ही लेता हूँ। सेट ऑफ प्रोडक्शंस, क्या क्या प्रोडक्शंस है भाई, वी जीरो इक्वल्स टू ए,
V1 और V1 टेंस टू ए बी वी जीरो और V1 टेंस टू V, ये तीन प्रोडक्ट ये है और हमारा स्टार्ट सिंबल क्या है भाई V0, ये चार हमें ग्रामर गिवन है, ठीक है। चलिए तो मैं बोल देता हूँ लेट M इज इक्वल्स टू क्यू समेशन डेल्टा Q0 कैपिटल F बी आवर रिक्वायर्ड क्या भाई NFA रिक्वायर्ड NFA फॉर गिवन क्या भाई गिवन फॉर गिवन रेगुलर ग्रामर। आई बात समझ में, यानी कि मुझे ये पांच चीजें एक्सप्लेन करनी है, इसका मतलब मैंने क्या निकाल लिया FA बना लिया, ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है। चलिए क्यू यानी क्या भाई नंबर ऑफ स्टेट्स, तो बेटा नंबर ऑफ स्टेट्स यहाँ पे क्या होते हैं, ये जो भी प्रोडक्शंस है ये प्रोडक्शंस में जितनी भी टर्म्स आई हुई है जैसे अल्फा टेंस टू बीटा वो और उन सब के सफिक्सेस, यानी कि कैसे देखिए मैं आपको करके बताता हूँ कि यहाँ पे क्या है पहला प्रोडक्शन V0 तो बेटा ये आ जाएगा V0, ठीक है। नेक्स्ट क्या है उसमें AV1, ठीक है भाई ये AV1। चलिए मुझे बताइए AV1 में से मैंने ये A हटा दिया तो क्या आ जाएगा वो V1। अच्छा ये AV1 में से मैंने A भी हटा दिया V1 भी हटा दिया तो बेटा वो क्या हो जाएगा इप्सिलॉन, तो वो क्या हो जाएगा इप्सिलॉन। चलिए और कुछ बताइए, देखिए V0 हो गया AV1 हो गया अकेला V1 हो गया AB V0, चलिए ले लीजिए ये AB V0 जो भी दिखता है आपको जो भी वहां पे लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में है प्रोडक्शंस में वो सबके सब तो हमारे स्टेट्स बनने ही वाले हैं और उन सब के सफिक्सेस। अब ये सफिक्सेस यानी क्या होता है कि भाई वो खत्म कहाँ से हो रहा है, यानी कि ये जो AV1 है मुझे बताइए ये AV1 तो एक स्टेट रहेंगी, मुझे बताइए ये AV1 जो है मैं बोल सकता हूँ कि ये AV1 सिर्फ V1 से खत्म हो रहा है, यस मैं बोल सकता हूँ ये AV1 सिर्फ और सिर्फ इप्सिलॉन से खत्म हो रहा है, यस। तो इसको बोलते हैं सफिक्सेस, प्रीफिक्सेस यानी कि उनके सामने वाले पार्ट, सफिक्सेस यानी उनका पीछे का भाग, ठीक है। जैसे कि AB V0 मुझे बताइए, मैं बोलता हूँ भाई ये AB V0 यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये AB V0 से खत्म हो रहा है, अरे बोल सकते पर हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है वो BV0 से खत्म हो रही है तो वो भी हमारा क्या रहेगा एक स्टेट रहेगा। नेक्स्ट मुझे बताइए ये AB V0 में से A भी निकाल दिया B भी निकाल दिया तो क्या बचेगा अकेला V0, बेटा अकेला V0 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है वो फिर से नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा मैंने B भी हटा दिया V0 भी हटा दिया तो क्या बचेगा इप्सिलॉन बचेगा, इप्सिलॉन भी मैंने लिखा हुआ है, चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट इसमें क्या है अकेला B, आई थिंक अकेला B हमने लिया हुआ नहीं है, ये अकेला V1 भी लिया हुआ है तो ये हमारी क्या रहेंगी नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। समेशन कुछ और नहीं, वो टर्मिनल सिंबल्स ही होते हैं, वो होते हैं A, B। अब ये डेल्टा का मुझे डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, ठीक है। डेल्टा का डिस्क्रिप्शन दे देते हैं Q0 यानी क्या भाई इनिशियल स्टेट, Q0 हमारी क्या होती है इनिशियल स्टेट, तो मुझे बताइए यहाँ पे इनिशियल स्टेट क्या होने वाली है, तो बेटा यहाँ पे जो इनिशियल स्टेट है वो हमारी जो इसकी इनिशियल स्टेट है यानी कि ग्रामर का जो स्टार्ट सिंबल है वही रहेगा। ग्रामर का स्टार्ट सिंबल क्या है V0, तो बेटा ये V0 ही हमारा क्या रहेगा स्टार्ट सिंबल रहेगा, यानी कि Q0 स्टेट वही रहेंगी हमारी, ठीक है। ये Q0 हमारा क्या रहता है भाई FA में क्यू समेशन डेल्टा Q0 F यानी कि स्टार्टिंग स्टेट FA की और एक फाइनल स्टेट यानी कि वो सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स होता है, तो बेटा सेट ऑफ फाइनल स्टेट यहाँ पे फिक्स है, ये जो हमारा इप्सिलॉन है कन्फर्म यही हमारी क्या होती है फाइनल स्टेट होती है, ये इप्सिलॉन यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना हर बार क्या होता है यही हमारा क्या होता है फाइनल स्टेट रहता है, ठीक है। चलिए अब रही बात कहेगी डेल्टा कौन है ट्रांजिशन फंक्शन, फंक्शन बोलने से भी अच्छा तो मैं बोल देता हूँ ट्रांजिशन टेबल कैलकुलेट कर देता हूँ मैं आपको एक और वो टेबल से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। चलिए टेबल काय का भाई क्यू और समेशन का, पहले तो बताइए स्टेट्स कौन कौन सी लिखी हुई है मैंने वहाँ पे, एक लिखी हुई है मैंने V0, ठीक है पहली। सेकेंड क्या लिखी हुई है मैंने AV1। नेक्स्ट थर्ड क्या लिखी हुई है मैंने V1, लिख लीजिए जो भी स्टेट से लिख लीजिए। V1 के बाद क्या है इप्सिलॉन के बाद क्या है AB V0, ठीक है AB V0, ठीक है
बी वी जीरो के बाद क्या है बी, चलिए कोई बात नहीं। कितनी स्टेट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट्स है। इनिशियल और फाइनल की मार्किंग कर देते हैं, ये इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट। इप्सिलॉन एन एफ ए निकाल रहे हैं हम क्या निकाल रहे हैं, इप्सिलॉन एन एफ ए। इप्सिलॉन एन एफ ए का मतलब होता है यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा इप्सिलॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा इप्सिलॉन। चलिए कोई बात नहीं, ये टेबल की एंट्रीज कैसे फिलअप करते हैं ये सीखना है आपको, बस और कुछ भी नहीं सीखना है। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले तो देखिए वहाँ पे प्रोडक्शंस कितने हैं, 3 प्रोडक्शंस है। ये तीनों भी प्रोडक्शंस जो है वो आप यहाँ पे लिख लीजिए, कहाँ पे लिख लीजिए, इप्सिलॉन के अंडर में। किसके अंडर में, इप्सिलॉन के अंडर में। इट मीन्स कि वी जीरो है ये, तो मुझे बताइए ये वी जीरो का प्रोडक्शन है ए वी वन, तो बेटा ये ए वी वन जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, ये ए वी वन ये यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट ये वी वन का प्रोडक्शन है, ये भी वी वन का प्रोडक्शन है। वी वन कहाँ है, वी वन इसके प्रोडक्शंस, इसके प्रोडक्शंस क्या है भाई वी वन के, वो यहाँ पे आ जाएंगे। वी वन के प्रोडक्शंस है ए बी वी जीरो कॉमा बी, ठीक है। यानी कि ये देखिए ये प्रोडक्शंस कितने थे, 3। ये तीनों प्रोडक्शंस मैंने यहाँ पे लिख लिए, कहाँ पे लिखना है ये पहला रूल है, ये लिखना है हमें इप्सिलॉन के नीचे, ठीक है। पर अब ये इप्सिलॉन एन एफ है तो बेटा यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेट्स आ सकती हैं, तो इनको हम क्या कर देंगे, करली ब्रेसेस में लिखेंगे तो भी चलता है, क्योंकि यहाँ पे तो एक से ज़्यादा एंट्री अलाउड है। ये करली ब्रेसेस किसी ने नहीं लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए तो ये था पहला रूल कि जितने भी प्रोडक्शंस हैं उनके जो राइट हैंड साइड है वो जिसके भी प्रोडक्शन है रिस्पेक्टिव वो लिख लीजिए, कहाँ पे लिख लीजिए, उसके सामने, बट कौन से कॉलम में, इप्सिलॉन वाले कॉलम में, ठीक है। ये पहला रूल। सेकेंड रूल है कि ये जो वी जीरो है, मुझे बताइए ये जो वी जीरो है तो ये कहीं कोई टर्मिनल से शुरू हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये वी जीरो को ए, यानी कि देखिए ये कोई भी मैच नहीं हो रहा है, वी जीरो को ए मिला, बेटा ये दिस इज नॉट वैलिड, तो ये क्या आ जाएगा, फाइव। ये भी क्या आ जाएगा, फाइव। मुझे बताइए ए वी वन को ए मिला, तो बेटा ये ए और ए ये मैच हो गए, ए ए मैच हो गए, यानी कि वो दोनों भी प्रोसेस हो गए और वो दोनों भी क्या हो गए, कैंसल हो गए। ये ए ए के साथ कैंसल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वी वन। अब ये ए वी वन को बी मिला, बेटा कुछ नहीं कर सकते। ए वी वन को इप्सिलॉन मिला, कुछ नहीं कर सकते। V1 को A मिला, कुछ नहीं। V1 को B मिला इप्सिलॉन, V1 के प्रोडक्शंस तो वहां पे आने ही थे। अच्छा ये इसमें भी क्या आने वाला है, इप्सिलॉन बोल रहा हूँ तो 5 5 5 कहीं नहीं जाने वाला है उसका ट्रांजेक्शन, ठीक है। ए बी वी जीरो, देखिए ये ए बी वी जीरो, मुझे बताइए A को A, A मैच हो गए स्टार्टिंग का सिंबल, दोनों भी कैंसल हो गए, तो ये हो जाएगा बी वी जीरो। ए बी वी जीरो को बी मिला, कुछ नहीं हो सकता। ए बी वी जीरो को इप्सिलॉन मिला, कुछ नहीं हो सकता। बी वी जीरो को ए मिला, कुछ नहीं, मैच हो ही नहीं रहा, वो प्रोसेस होंगे ही नहीं, कैंसिल होगा ही नहीं। बी वी जीरो को बी मिला, अरे भाई बी बी कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा वी जीरो। बी वी जीरो को इप्सिलॉन, कोई बात नहीं, फाइव। बी को ए मिला, कुछ नहीं, मैच नहीं हो रहा है। बी को बी मिला, बेटा बी को बी मिला तो वो क्या हो जाएंगे, प्रोसेस हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, तो बेटा ये बी बी वैनिश हो गया, तो बेटा इसमें से बी गायब हो गया, तो क्या बचेगा, इप्सिलॉन बचेगा। बी को इप्सिलॉन मिला, कुछ नहीं, फाइव। और ये हमारा टेबल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये हमने क्या किया, सेकेंड रूल इंप्लीमेंट किया ट्रांजेक्शन टेबल को फिलअप करने के लिए। क्या था सेकेंड रूल, देख, अच्छा पहला रूल क्या था, पहला रूल था कि ये जितने भी प्रोडक्शंस है, एक वी जीरो का और बाकी दो वी वन के, तो वो उनके सामने लिख लीजिए, पर कौन से कॉलम में लिखिए, कौन से कॉलम में लिखना है भाई, वो इप्सिलॉन के कॉलम में ही लिखना है। वो कहाँ पे लिखना है, इप्सिलॉन के कॉलम में। अरे आ रही है क्या बात समझ में, ये हमारा क्या था, पहला रूल। अब अगर ये पहला रूल था तो दूसरा रूल क्या, दूसरा रूल है बहुत ही सिंपल है कि ये जो स्टेट्स है, ये स्टेट का नाम अगर किसी टर्मिनल से शुरू हो रहा है और वो सेम टर्मिनल का ट्रांजेक्शन है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, प्रोसेस हो जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे, और रिमेनिंग थिंग जो भी बचेंगी वो हमें क्या करनी पड़ेगी, टेबल में एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। वो टेबल की एंट्री कुछ और नहीं, वो एक स्टेट का नाम है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना था, हमें क्या करना था, NFA बतानी थी। तो NFA में हमें 5 चीजें बतानी थी, Q summation delta Q zero F, ये हमने बता लिया। पर अब क्या होना है कि अगर किसी को क्या चाहिए, ट्रांजिशन डायग्राम, किसी किसी को चाहिए भाई ट्रांजिशन
डायग्राम तो कोई बात नहीं है, वो ट्रांजिशन डायग्राम निकाल सकता है। कैसे निकाल सकता है, कितनी स्टेट्स है ये, 7 स्टेट्स है शायद से ये, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, ये 7 स्टेट्स, ये 7 स्टेट्स को आप लिखिए, ये इनिशियल स्टेट, कोई एक फाइनल स्टेट होंगी उसको फाइनल स्टेट मार्क कीजिए, और ये जो भी ट्रांजिशंस है वो यहाँ पे क्या कर दीजिए, इम्प्लीमेंट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्रांजिशन डायग्राम भी मिल जाएंगी। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे पर्सनली मैसेज या कॉल करके भी डिफ़िकल्टीज़ पूछ सकते हो, जो भी शेड्यूल होगा हमारा डिफ़िकल्टीज़ का सेशन उसमें क्लियर की जाएंगी। पर आई होप कि इतने सिंपल टॉपिक में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, फिर भी आप मुझे ऐप पे या फिर व्हाट्सएप बिजनेस के ग्रुप पे मैसेज करके बता सकते हो। मैं एक बार फिर से डिक्टेट कर देता हूँ कि क्वेश्चन था हमें ग्रामर पे से एफ ए बनानी थी, तो आपका इसका मोर स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि भाई राइट लीनियर ग्रामर पे से ही हम इप्सिलॉन एन एफ ए बना सकते हैं, ठीक है इजीली, ये उसका एल्गोरिथम हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये इप्सिलॉन एन एफ ए ले लिया मैंने, एम इक्वल्स टू क्यू समेशन डेल्टा क्यू जीरो एफ फोर, ये पांचों चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। ये क्यू मैंने बताया कैसे जितने भी प्रोडक्शंस हैं वो सब और उन सब के सफिक्सेस, ठीक है, और समीशन यानी टर्मिनल्स, क्यू जीरो यानी कि वो जो इनिशियल स्टेट है वही, और फाइनल स्टेट क्या, फाइनल स्टेट हमेशा क्या होने वाली है, ये इप्सिलॉन ही होने वाला है, ठीक है। और रही बात ट्रांजिशन फंक्शन यानी ट्रांजिशन टेबल की, तो ट्रांजिशन टेबल बनाने के सिर्फ दो ही रूल्स हैं, एक तो वो प्रोडक्शंस की डायरेक्ट एंट्रीज इप्सिलॉन के कॉलम के नीचे, और अगर सेम सिंबल है बाकी एंट्रीज, हमने कैसे की रूल टू में कि अगर हमारा स्टार्टिंग का जो टर्मिनल है वो मैच हो जाता है तो वो प्रोसेस होके वैनिश हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट की क्या की जाएंगी, एंट्री की जाएंगी, और बाकी जो बची हुई एंट्रीज है वो सबके सब क्या रहेंगी, फायर रहेंगी, यानी कि नल एंट्रीज रहेंगी, वो ट्रांजेक्शन कहीं इमिट नहीं होने वाला। चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 1 आप कॉपी कर लीजिए अच्छे से और ये डायग्राम आप कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रांजेक्शन सिस्टम एम फॉर द फॉलोइंग रेगुलर ग्रामर जी, और ये दिया हुआ है जी इक्वल्स टू वी टी पी एस। देखिए ये पी तो यहाँ पे अलग से मेंशन किया हुआ है, और ये है हमारा वी टी, वी यानी क्या, वेरिएबल्स कौन कौन से है यहाँ पे, ए जीरो ए वन, ठीक है। टर्मिनल्स कौन कौन से है, ए बी, पी यानी कि सेट ऑफ प्रोडक्शंस दिया हुआ है, देखिए एक प्रोडक्शन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चार प्रोडक्शंस है यहाँ पे। नेक्स्ट ए जीरो, ए जीरो हमारा क्या है, स्टार्ट सिंबल, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल देता हूँ। सॉल्यूशन में मैं ले लेता हूँ कि लेट एम इक्वल्स टू, एम इक्वल्स टू क्यू समेशन डेल्टा क्यू जीरो एफ बी आवर रिक्वायर्ड इप्सिलॉन एन एफ ए, ठीक है आप इसको डेकोरेट कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट डायरेक्ट लिख लेता हूँ क्यू, क्यू क्या हो जाएगा मुझे बताइए, ये प्रोडक्शंस कौन कौन से है, सबसे पहले तो ये है हमारा ए जीरो, और उसके बाद क्या है ये, उसके बाद है ये ए ए वन, मुझे बताइए ए ए वन में से मैंने ये ए हटा दिया, सामने का ए हटा दिया तो क्या बचेगा, ए वन, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ए वन, अरे आ रही है क्या बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट अब मुझे बताइए कि हाँ ये थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं इसको, हाँ अब मैंने ये ए और ए वन दोनों ही हटा दिए बेटा, ए और ए वन दोनों ही हटा दिए तो वो बनता है इप्सिलॉन, ठीक है। चलिए ये पहला प्रोडक्शन हो गया, सेकंड प्रोडक्शन ए वन, यस ए वन इज अवेलेबल, बी ए वन, अरे भाई बी ए वन कहीं अवेलेबल है क्या, बिल्कुल नहीं, तो ये हो जाएगा बी ए वन। अब ये बी हटा दिया तो ए वन अवेलेबल है, बी ए वन हटा दिया तो इप्सिलॉन भी अवेलेबल है, चलिए ये भी हो गया ए वन हो गया, ये अकेला ए नहीं है, अकेला ए लिख लेते हैं उसको हटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इप्सिलॉन, इप्सिलॉन भी है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट ए वन है, बी ए जीरो, बी ए जीरो है क्या, बिल्कुल नहीं, तो ये हो जाएगा बी ए जीरो, बी हटा दिया तो ए जीरो, यस ए जीरो है, दोनों हटा दिए तो इप्सिलॉन वो भी है, तो ये हमारी क्या हो गई, स्टेट्स हो गई, जितने भी प्रोडक्शंस में हमें दिख रहे हैं टर्म्स वो सभी टर्म्स एंड इट्स सफिक्सेस, ठीक है। चलिए ये हो गया क्यू, समेशन यानी कि टर्मिनल्स कौन कौन से टर्मिनल्स, ए कॉमो बी, ये टर्मिनल्स वी टी पी एस, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया क्यू समेशन डेल्टा, हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, क्यू जीरो इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट स्टार्ट सिंबल क्या है, स्टार्ट सिंबल ए जीरो, तो बेटा ये हो जाएगा ए जीरो। नेक्स्ट फाइनल, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्या होता है वो होता है यहाँ पे बेटा इप्सिलॉन, वो कितना होता है यहाँ पे, इप्सिलॉन होता है, आई बात समझ में। तो अब रहा गया हमारा, हमारा यहाँ पे रह गया ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, ठीक है कोई बात नहीं, ट्रांजिशन टेबल,
टेबल बोलिए या फिर फंक्शन बोलिए, एक ही बात है, ट्रांजेक्शन टेबल डेल्टा इज टेबल, कोई बात नहीं टेबल बना लेते हैं। तो ये टेबल बनाने निकले हम अगर, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू समेशन। चलिए बताइए क्यू क्या आ जाएगा, ए जीरो, ए जीरो के बाद ए ए वन, ठीक है ए ए वन, ठीक है नेक्स्ट, उसके बाद ए वन, ठीक है ए वन, इप्सलॉन, ठीक है इप्सलॉन, बी ए वन, बी ए वन। मैं समझता हूँ आप मेरे से पहले सॉल्व कर सकते हो ये प्रॉब्लम, अगर आपको पहला प्रॉब्लम समझाऊंगा तो, एंड आई होप कि आपको पहला प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझा है और आप एंजॉय कर रहे हो लर्निंग, और ये आप मेरे से पहले सॉल्व कर सकते हो, कीजिए भी। ये ए का ट्रांजिशन, ये बी का, और यहाँ पे ये एप्सिलॉन का। सबसे पहले तो मुझे बताइए यहाँ पे प्रोडक्शंस कितने हैं, एक दो तीन चार, ये चारों प्रोडक्शन एप्सिलॉन के कॉलम के अंडर आएंगे। मुझे बताइए ए जीरो का क्या है, ए जीरो, ए जीरो के इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए ए वन, ए ए वन, ठीक है चलिए ये ए ए वन यहाँ पे आ गया। ठीक है ये देखिए इधर ये ए वन का है, ये ए वन का, ये ए वन का, उसके तीन है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए वन का है यहाँ पे, यहाँ पे एंट्रीज आनी चाहिए तीनों भी। कौन कौन से प्रोडक्शन है उसके बताइए, पहला प्रोडक्शन है उसका बी ए वन, नेक्स्ट अकेला ए, थर्ड बी ए जीरो, ठीक है ये तीन इसके प्रोडक्शंस है। चलिए कोई बात नहीं, ये पहला रूल इंप्लीमेंट हो गया। सेकेंड रूल, व्हाट इज सेकेंड रूल, सेकेंड रूल इज कि अगर सिंबल मैच होता है टर्मिनल तो वो क्या हो जाएगा, वैनिश। चलिए आइए करते हैं सेकेंड रूल, ए जीरो ए फाइव फाइव, ए ए वन ए वन, ये देखिए ये स्मॉल ए स्मॉल ए मैच हो गए, कैंसल हो गए, कैंसल हो गए तो बचेगा ये ए वन। अरे आई क्या बात समझ में, ये मैच नहीं हो रहे, कोई बात नहीं नहीं हो रहे, ए वन इप्सलॉन, ए वन, ए वन को बी मिला कुछ नहीं कर सकते, इप्सलॉन, इप्सलॉन के भी क्या हो जाने वाले हैं फाइव, और बेटा ये फाइनल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है, उनकी मार्किंग भी कर दीजिए। नेक्स्ट बी ए वन फाइव, बी बी प्रोसेस, तो ये ए वन, दिस फिर से फाइव, ए को ए मिला, अरे भाई ए को ए मिला तो क्या हो जाएगा, इप्सलॉन, क्योंकि वैनिश हो गया वो, यहाँ का ए वैनिश हो गया तो वो इप्सलॉन हो जाएगा। ए को बी मिला कुछ नहीं कर सकते, ए को इप्सलॉन मिला कुछ भी नहीं कर सकते, बी ए जीरो इप्सलॉन, बी ए जीरो को बी मिला, बी बी सेम है प्रोसेस हो गए तो ये आ जाएगा ए जीरो, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा इप्सलॉन, और ये हमारा क्या हो गया टेबल कंप्लीट हो गया। अगर आपको क्या चाहिए निकाल के, ट्रांजिशन डायग्राम, किसी को ट्रांजिशन डायग्राम चाहिए तो वो निकाल सकता है कैसे, ये एक दो तीन चार पाँच छः सात जो भी है स्टेट्स यहाँ पे निकालिए, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट की मार्किंग कीजिए, जो जहाँ ट्रांजिशन जा रहा है उसको इंप्लीमेंट कर लीजिए, बस इतना सिंपल है। आई होप आपको ये सेकंड प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, जल्दी से क्या कर लीजिए इसको कॉपी कर लीजिए, सो दैट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट सब टॉपिक।